अभी आपको हम खबर दें कराची से, जहां रेंजर्स का उमर कॉलोनी रेलवे लाइन और शाहराह फैसल के अतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी है। 14 से ज्यादा रेंजर्स की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इस ऑपरेशन में मशकूक अफराद और मशकूक घरों की तलाशी का अमल भी जारी है। मखसूस मकामात के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील कर दिए गए। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, शहर कायद से ये खबर सामने आई है। इसी पर मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से जानेंगे। नवीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, राजेश की जानेब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ ओवर कॉलोनी है, जहाँ पर जो है शाहराह फैसल के इलाके के अतराफ ऑपरेशन जारी है राजेश की जानेब से, जिसमें जो राजेश की भाई नफी जो है हिस्सा ले रही है। दाखिली और खारजी रास्ते जो इलाके को सील करके घर घर तलाशी का अमल जो जारी है। जराये के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है जराये पेशा अफराद की मौजूदगी इतला पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल के बाइस भी जो है ऑपरेशन जारी है। एक घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जिसके दौरान जो है मुश्तबा अफराद के कवायद भी चेक किए जा रहे हैं और जो मखसूस मकानात है उसकी भी तलाशी का अमल जारी है। जी नवीद सिद्दीकी, बताइएगा और किस किस इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल जी, शाहराह फैसल के इलाके हैं, उमर कॉलोनी रेलवे लाइन और दीगर जो इलाके हैं अतराफ के, उसमें ऑपरेशन जारी है। कच्ची आबादियां हैं जहां पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जो है रंजिश भाई नफी जो है वो हिस्सा ले रही है। इसके साथ साथ खवातीन एहलकार भी जो है वो शरीक है, जबकि जो मुतादिद मोटरसाइकिलों को जो है चेक किया गया है। जो मुश्तबा मोटरसाइकिलें थी उनके भी कवायद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो मुश्तबा अफराद थे उनके भी कवायद चेक किए गए हैं रंजिश एहलकारों की जानब से। ये जो ऑपरेशन है बताया जा रहा है कि जो जायम पेशा अफराद हैं उनकी मौजूदगी की तरह पर किया जा रहा है, जिसमें जो रंजिश की भारी नफरी जो हिस्सा ले रही है। जी पुलिस की भारी नफरी भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी, आप हमें आगाह कर रहे थे।